नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मन से लगनी चैनल में। दोस्तों, मैं आज के वीडियो में आपको बच्चों के नए नए नाम बताऊंगा, जिसमें लड़के के नाम दिखाए जाएंगे। दोस्तों, आदमी नाम से ही जाना जाता है। सबसे पहला जो नाम मैं दिखाने जा रहा हूं, उत्कर्ष। दोस्तों, उत्कर्ष बहुत ही सुंदर नाम है। इसका अर्थ होता है उन्नति या प्रोग्रेस या आगे बढ़ने की जो क्षमता बच्चा रखता है, उसका नाम उत्कर्ष रखा जा सकता है। नेक्स्ट नेम जो लेके मैं आया हूँ दोस्तों, वो है प्रियान। प्रियान का अर्थ होता है जो सबका प्यारा, लविंग या जो सबके द्वारा चाहा जाता है, उसको प्रियान कहा जा सकता है। पी से शुरू होने वाला नाम है। नेक्स्ट नेम जो दोस्तों मैं दिखाने जा रहा हूँ, रूपम। रूपम आर से शुरू होने वाला नाम है। तो जो राशि के हिसाब से नाम रखना चाहते हैं तो आर चूज़ कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा नाम है। रूपम का अर्थ होता है दोस्तों हैंडसम, सुंदर, जो देखने में ब्यूटीफुल हो। नेक्स्ट नेम है दोस्तों उज्ज्वल। उज्ज्वल बहुत ही अच्छा नाम है, सुनने और बोलने में अच्छा लगता है। उज्ज्वल का अर्थ होता है दोस्तों ब्राइट, या जिसका भविष्य अच्छा हो उसको उज्ज्वल कहा जा सकता है। नेक्स्ट नेम है शिवांग। शिवांग पार्ट ऑफ शिव को कहा जाता है दोस्तों। ये भी अच्छा नाम है, शिव का हिस्सा, या जो शिव भगवान हैं उनके नाम से भी इसको जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट नेम है काव्यांश। काव्यांश अच्छा नाम है दोस्तों। काव्यांश का अर्थ होता है होशियार, क्लेवर, चतुर, या जो इंटेलिजेंट हो उसको काव्यांश कहा जा सकता है। नेक्स्ट नेम है देविन। देविन दोस्तों देवों से जुड़ा हुआ नाम है, और इमेज ऑफ गॉड भी कहा जा सकता है इसको। तो अच्छा नाम है, जिसको डेयरी से अपने बच्चे का नाम रखना हो तो यह नाम चुना जा सकता है। सूर्यांश। सूर्यांश भी अच्छा नाम है दोस्तों। पार्ट ऑफ सन या सूर्य का भाग, जो एस से अपने बच्चे का नाम रखना चाहते हैं तो इस नाम को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नेम है दोस्तों श्रावण। श्रावण भी अच्छा नाम है, हिंदू नाम है दोस्तों, और हिंदू मंथ एक श्रावण के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति को ऐसे अपने बच्चे का नाम रखना है तो इसको लिया जा सकता है। नेक्स्ट नेम है रिवांश। रिवांश अच्छा नाम है, आर से शुरू होने वाला नाम है, और दोस्तों जो भगवान का पुत्र होता है उसे रिवांश कहा जाता है, या सन ऑफ गॉड। अगला जो नाम मैं बताने जा रहा हूँ, पी से शुरू होता है, प्रभूत। प्रभूत भी अच्छा नाम है, बोलने और सुनने में अच्छा नाम है। बहुत या इनफ इसका अर्थ होता है, या बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ हो उसको प्रभूत कहा जाता है। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।